कुछ बच्चों के द्वारा प्रश्न हुआ था, मैसेज भी किया गया था कि ये इम्प्रेसमेंट क्या चीज है। तो मैंने बच्चों को याद दिलाया, मैसेज भी किया था, फिर बाद में एक दो बच्चे कह गया। तो मुझे लगता है कि बच्चों में कुछ कंफ्यूजन रहा होगा, इसीलिए मैंने निर्णय लिया कि बच्चों के बीच में एक बार फिर से रिवीजन हो जाए प्रेसिडेंट के बारे में। जैसे प्रेसिडेंट का इलेक्शन होता है, फिर पावर शक्ति तो सब जान ही रहे होंगे, और साथ ही साथ है ये इम्पीचमेंट क्या चीज है और फिर इसको कब उपयोग में लाया जाता है, इन सारी बातों को आज की क्लास में मैं स्पष्ट कर देना चाहूंगा। तो सर्वप्रथम आप लोग जानते हैं इलेक्शन ऑफ ऑनरेबल प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया टोटल मेंबर्स, टोटल मेंबर्स मीन ऑल इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ बोथ हाउसेज, ऑल इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ बोथ हाउसेज एंड ऑल इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ ऑल स्टेट्स लेजिस्लेटिव असेंबली इलेक्ट टू आवर ऑनरेबल प्रेसिडेंट। ओके, यानी संसद के दोनों सदनों के सभी निर्वाचित सदस्य, आप याद रखेंगे मैंने यहां पर इलेक्टेड मेंबर कहा है, ऑल इलेक्टेड मेंबर्स, इसमें नॉमिनेटेड मेंबर नहीं आएगा, इसलिए मैं बार बार स्पष्ट कर देना चाहता हूं। तो ऑल इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ बोथ हाउसेज, हियर बोथ हाउसेज मींस अपर हाउस एंड लोअर हाउस। हाउ मेनी मेंबर्स आर अपर हाउस एंड लोअर हाउस? यू ऑल नो वेरी वेल, 245 मेंबर्स इन प्रेजेंट टाइम इन अपर हाउस एंड 545 मेंबर्स आर इन लोअर हाउस। तो इसमें से दो मेंबर जो लोअर हाउस के हैं नॉमिनेटेड, और 12 मेंबर जो अपर हाउस के जो नॉमिनेटेड है वो इसमें इन्वॉल्व नहीं होंगे। शेष सभी मेंबर राष्ट्रपति के चुनाव में शामिल होते हैं, इनके द्वारा चुनाव होता है। हम लोग आम पब्लिक भारत के जो 18 वर्ष की अवस्था को कम से कम प्राप्त कर लिया है, वोटर लिस्ट में नाम है, ऐसे सभी व्यक्ति मिलकर के पार्लियामेंट्री इलेक्शन में अपने वोट्स का उपयोग करते अपने अपने क्षेत्र से रिप्रेजेंटेटिव चुन के भेजते हैं और वो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट कहलाते हैं, सांसद कहलाते हैं। दीज ऑल मेंबर ऑफ पार्लियामेंट इन्वॉल्व टू द इलेक्शन ऑफ ऑनरेबल प्रेसिडेंट। एंड अनदर थिंग इज ऑल मेंबर्स ऑफ ऑल स्टेट्स लेजिस्लेटिव असेंबली, यानी भारतवर्ष में जितने राज्य विधान मंडल हैं उन सभी राज्य विधान मंडल के जितने भी निर्वाचित सदस्य हैं उन सभी निर्वाचित सदस्य भी इस राष्ट्रपति के चुनाव में शरीक होते हैं। यानी क्या क्लियर हो गया? तो संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य तथा प्रत्येक राज्य विधान मंडल के निर्वाचित सदस्य मिलकर महामहिम राष्ट्रपति का चुनाव करते हैं। ये ऑलरेडी क्लियर है, आप लोग जानते भी होंगे, कहीं कंफ्यूजन होगा तो पूरा है, मैं स्पष्ट कर रहा हूं। अब यार एक वर्ड मैंने कहा है अभी, महामहिम, महामहिम का शब्द केवल और केवल भारत के राष्ट्रपति के नाम के ही साथ अलंकारिक रूप में लगाया जाता है। ये अलंकार है, सम्मान है, शोभा है। और चूंकि भारत के राष्ट्रपति का प्रतिनिधि प्रत्येक राज्य में राज्यपाल होते हैं, इसीलिए उन्हें भी इस हैसियत
महामहिम कहा जाता है। कि तो आप लोग कभी कभी सुनते होंगे गांव घर में भी, कभी कभी पढ़े लिखे लोग भी क्या करते हैं, अब किसी को थोड़ा सा सम्मानित करना है, उनकी प्रशंसा करनी है, प्रतिष्ठा को बढ़ानी है, तो सामान्य व्यक्ति को भी, कोई अधिकारी को भी महामहिम शब्द का प्रयोग कर देते हैं। ब्लंडर है, भारी भूल है। भूल के लिए ऐसे शब्द का प्रयोग नहीं करना चाहिए। ये केवल और केवल राष्ट्रपति के लिए ही ऐसे शब्दों का प्रयोग किया जाता है, अलंकरण के लिए, सम्मान के लिए, ठीक है। तो इसलिए मैंने महामहिम शब्द मुंह से निकल आया, इसलिए मैंने इसको भी स्पष्ट कर दिया। तो चुनाव होता है, ठीक है। अब है जो आप लोगों का प्रश्न था, कुछ बच्चों ने प्रश्न किया था, वो प्रश्न था इम्पीचमेंट। इसको हम हिंदी में कहते हैं महाभियोग। ये विशिष्ट प्रकार का आरोप एलिगेशन है एक प्रकार से, और विशिष्ट है, महा है। ये कोई सामान्य मानव के लिए इस प्रकार का आरोप नहीं हो सकता। अति विशिष्ट व्यक्ति जो होते हैं, भारत के जो राष्ट्रपति है वो अति विशिष्ट व्यक्ति है, भारत के प्रथम नागरिक है, तो इनके विरुद्ध है भी इस प्रकार की बात महाभियोग लगाई। और उसी प्रकार से भारत के सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश, मुख्य न्यायाधीश, उन लोगों के लिए भी इस प्रकार के शब्दों का प्रयोग होता है। यानी इस प्रकार का आरोप लगा करके उनको उनके पद से हटाने का प्रावधान है आर्टिकल 61 के तहत। यानी भारत के संविधान के अनुच्छेद 61 के तहत ऐसा प्रावधान है, यद्यपि भारत का सर्वोच्च नागरिक, प्रथम नागरिक होने के नाते, राष्ट्राध्यक्ष होने के नाते, प्रत्येक कार्य का संपादन राष्ट्रपति के नाम पर ही होता है, ठीक है। तो इनके विरुद्ध भी, यानी इन्हें भी विशिष्ट सिचुएशन में उनको उनके पद से हटाया जा सकता है, क्लियर। और उसके लिए प्रावधान है महाभियोग का, इंपीचमेंट का, जो आप लोगों ने कहा। तो ये इंपीचमेंट राष्ट्रपति को हम सामान्यतया तीन स्थिति में उनके पद से मुक्त किया जा सकता है या वो मुक्त हो सकते हैं। पहला तो यह है रिजिग्नेशन के द्वारा, राष्ट्रपति यदि चाहे तो टर्म पूरा होने से पहले उनकी इच्छा वो रिजाइन कर सकते हैं। तो स्वतः है उस पद से वो मुक्त हो जाएंगे, क्लियर। तो वो जो रिजाइन लिखेंगे वो किनके, किनको लिखेंगे, तो बाय राइटिंग, यानी कि ऑन राइटिंग में, लिखित में देंगे, मौखिक करने से नहीं। इनका प्रावधान है कि लिखित में वो रिजिग्नेशन देंगे किनको, तो भारत के उपराष्ट्रपति को लिखित में रिजिग्नेशन देंगे, ठीक है, क्लियर। मान लीजिए कभी कभी एक दो बच्चा क्लास में, कभी साल दो साल पहले भी चर्चा चली थी, तो किसी बच्चे के मन में इस प्रकार की जिज्ञासा जगी कि आचार्य जी, मान लीजिए उपराष्ट्रपति कहीं चले गए हो या एब्सेंट हो या किसी कारण से वो पद रिक्त हो गया हो, तब किनको वो देंगे। ये प्रश्न आपका, आपके मन में आना स्वाभाविक है, तब सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस के, ये संविधान है, उसको हम लोग को जानना चाहिए।
राष्ट्रपति जब यानी रिजनेशन दे दिए, वो रिजनेशन वाइस प्रेसिडेंट को देंगे, यदि वो भी नहीं है तो उसके लिए भी प्रावधान मैंने अभी स्पष्ट किया, वो भी नहीं होंगे तो जो वरिष्ठ चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया होंगे, वरिष्ठ जस्टिस ऑफ इंडिया होंगे सुप्रीम कोर्ट के, उनको दिया जाएगा, ये सारे प्रावधान है। अब वाइस प्रेसिडेंट इज रेस्पॉन्सिबल टू इन्फॉर्म, टू कन्वे, टू कम्युनिकेट टू द स्पीकर ऑफ लोकसभा अबाउट द रिजोल्यूशन ऑफ ऑनरेबल प्रेसिडेंट। यानी एक विधि यह है कि राष्ट्रपति अपने रिजोल्यूशन देकर, अपने पद से अपना रिजोल्यूशन देकर इस पद से मुक्त हो सकते हैं, अलग हो सकते हैं। दूसरा क्या है, अकस्मात मृत्यु हो गई, निधन हो गया, स्वतः पद रिक्त हो गया, इस स्थिति में होता है। तीसरा क्या है, टर्म उनका पूरा हो गया। अब टर्म पूरा हो गया तो फिर अब क्या होगा, टर्म पूरा हो गया तो फिर क्या होगा कि अगले टर्म के लिए वो फिर चुनाव में स्टैंड करेंगे, चुनाव में जीतेंगे, फिर इस पद के लिए काबिल होंगे। तो उसमें आप सबको पता है कि ये सामान्य इलेक्शन नहीं होता है, इनके चुनाव में क्या होता है कि 2/3 मेजोरिटी इज एसेंशियल फॉर द इलेक्शन ऑफ ऑनरेबल प्रेसिडेंट। खैर इस पर हम लोग को अभी चर्चा नहीं करनी है, अभी चर्चा करनी है कि टर्म उनका पूरा हुआ, हमको बेसिकली फोकस करना है इंपीचमेंट पर। तो तीसरी स्थिति क्या हो गई, तो जब उसका महामहिम राष्ट्रपति महोदय का टर्म 5 साल का जो होता है वो पूरा हो गया तो पद से मुक्त होते हैं। और जो सबसे महत्वपूर्ण है जिस पर हमको आना है, जो इंपीचमेंट है, वो ये रिमूवल के लिए उनको पद से हटाया भी जा सकता है, यद्यपि वो भारत के सर्वोच्च नागरिक, प्रथम नागरिक है, राष्ट्राध्यक्ष है। तो ये कैसे हटाया जाएगा, तो वो इंपीचमेंट के द्वारा हटाया, क्लियर है, महाभियोग के द्वारा हटाया। अब ये महाभियोग में क्या होता है जरा उसको जान, कि ऐसा तब होता है जब सदन को यानी संसद को लगता है कि वायलेशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, यानी संविधान के नियमों के का विपरीत कार्य करना, विरोध में कार्य करना, इसको कहा जाता है वायलेशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। ये संवैधानिक टर्म है, किंतु सच्चाई क्या है, मैंने पिछले दिन जब क्लास लिया था तो स्पष्ट किया था, आप लोग शायद जानते होंगे, ध्यान में होगा, असली डेला बेला किसमें है कि सरकार में जो नेता है, मंत्रीगण है, लोकसभा के जो सदस्य हैं, प्राइम मिनिस्टर हैं, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स हैं, इनको लगता है कि हमारे मनुकूल राष्ट्रपति महोदय कार्य करने की स्थिति में नहीं है, इनकी स्वीकृति नहीं मिल पा रही है, तो क्या होता है, आवाज उठ जाती है, महामहिम महोदय संविधान के नियमों का पालन नहीं कर पा रहे, उनका उल्लंघन कर रहे हैं, उनको सरकार में जो निर्वाचित सरकार है उनको समर्थन करना है, सहयोग करना है, इसके विपरीत ये कार्य कर रहे हैं, इसलिए ना ही हैज नो राइट टू स्टैंड continue for that honorable post, yani now
he had no right to still on this post. यानी अब उनको इस पद पर रहने का कोई अधिकार नहीं है. तो महाभियोग है, एक प्रकार का विशेष आरोप उनके प्रस्तुत सामने प्रस्तुत किया जाता है. उसके लिए भी विधान है. विधान यह है कि सदन के वन बाय फोर्थ मेंबर्स, ठीक है, के हस्ताक्षर के द्वारा, यानी हस्ताक्षर के साथ संबंधित अधिकारी को ये नोटिस किया जाता है. वो संबंधित अधिकारी सामान्य स्पीकर होते हैं या जो प्रकार से बनाए जाते हैं, वो महामहिम राष्ट्रपति महोदय को 14 डेज बिफोर, 14 दिन पूर्व इस आशय की सूचना देते हैं कि श्रीमान आपके विरुद्ध महाभियोग लगाया जाएगा. अब महामहिम राष्ट्रपति महोदय उन 14 दिनों में अपने आप को तैयार कर लेंगे कि हमको कैसे फेस करना है. दिस प्रोसेस इज वेरी डिफिकल्ट. यह जो प्रोसेस है बहुत बहुत डिफिकल्ट है. याद रखेंगे कि इंपीचमेंट के द्वारा आज तक किसी राष्ट्रपति महोदय को नहीं हटाया गया है, क्योंकि ये बेहद जटिल प्रक्रिया है. वैसे इस माध्यम से राष्ट्रपति महोदय को भी उनके पद से हटाया जा सकता है. और इसमें जब वोटिंग होता है 14 दिन के बाद, तो 2/3 मेजोरिटी इज एसेंशियल फॉर द रिमूवल ऑफ ऑनरेबल प्रेसिडेंट, ठीक है. तो इस तरह से यही है आपका इंपीचमेंट. राष्ट्रपति को उनके पद से हटाने के लिए क्यों हटाया जाएगा? तो मंत्रिमंडल के द्वारा जो निर्णय लिया जाता है वो हाँ में हाँ नहीं मिलाएंगे, साइन नहीं करेंगे. तो ऐसे सदस्यों के द्वारा, सरकार के द्वारा उनके विरुद्ध इंपीचमेंट लगाने का प्रावधान है. और याद रखेंगे कि इंपीचमेंट में ये दोनों सदनों के जो सदस्य होते हैं वो भाग लेते हैं. तो यही है आपका इंपीचमेंट, जिसके बारे में कुछ बच्चों के द्वारा जिज्ञासा व्यक्त की गई थी. मेरा मानना है कि जहां कहीं भी किसी भी भैया को बहन को कोई कंफ्यूजन रहा होगा तो शायद वो कंफ्यूजन दूर हो गया होगा. फिर भी यदि किसी को लगे कि कहीं कंफ्यूजन है या कोई जिज्ञासा है, तो आप सादर आमंत्रित हैं. आप कभी भी प्रश्न कर सकते हैं व्हाट्सएप के माध्यम से, फोन करके. मैं पुनः इसको फिर से क्लियर कर दूंगा. आज की कक्षा में इतना ही. इंपीचमेंट के बारे में आप लोगों ने जाना और आज इतना ही. धन्यवाद.